Welcome to Biology Bench. This video lesson is about the details of meiosis. But if you have not gone through the basics of meiosis, which is the part one of this lesson, just go through that first so that you can learn all the concepts of meiosis. So, for now, let's begin with this topic that is meiosis. ओके okay, इस वीडियो में मियोसिस की सभी स्टेजेस को डिटेल में बताया गया है uh, जैसे कि हमें पता है कि जो मियोसिस है उसमें मेनली दो स्टेजेस आती हैं वन इज़ द मियोसिस वन एंड सेकेंड वन इज़ द मियोसिस टू जो मियोसिस वन है दिस इज़ द एक्चुअल फेस ऑफ रिडक्शन एंड जो मियोसिस टू है इट इज़ इट इज़ समॉट लाइक माइटोसिस जिसमें इक्वेशनल डिविजन होगी जो मीओसिस वन है ये वो फेज है जहाँ होमोलोग क्रोजोम को सेपरेट किया जाता है और जो मीओसिस टू है ये वो फेज है जहाँ सिस्टर क्रोमट्स को सेपरेट किया जाता है फर्दर जो मियासज़ वन है वो आगे कुछ फेजिज़ में डिवाइडेड है जैसे कि फर्स्ट वन इज़ द प्रो फेज देन मेटाफेज वन दैन एना फेज वन दैन टीलो फेज वन एंड देन साइटोकाइनोस जहाँ पर एक सेल दो में डिवाइड हो जाएगा फर्दर फिर सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो जाती है two, जिसके आगे फर्दर फेजेस हैं जैसे कि प्रोफेस टू देन मेटाफेज देन एनाफेज टू एंड देन साइटोकाइनसिस टू आफ्टर साइटोकाइनसिस टू two, जो पेरेंट सेल है वो अल्टीमेटली फोर डॉटर सेल्स में डिवाइड हो चुका होगा लेट्स बिगिन विद द मियोसिस वन जो मियोसिस वन है इसे हम हिटरोटिक या फिर रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि ये वो फेज़ है जहाँ पर एक्चुअल में रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है इसीलिए लिए ये पार्ट है रिडक्शनल डिवीजन इसमें आगे चार स्टेजेस हैं प्रोफेज फेज़ वन मेटाफेज़ वन एनाफेज़ वन एंड देन टीलो फेज वन मियोसस वन की पहली स्टेज है प्रोफेज़ वन जो प्रोफेज़ वन है ये लॉन्गेस्ट फेज़ है मीओसिस का यहाँ पर क्या होगा कि जो होमोलोगस मेटर्नल और पेटर्नल क्रोमोसोम्स हैं पहले उनकी पेयरिंग होगी फिर उनमें साइनाप्स होगा और फिर वो अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे और ये एक्सचेंज कैसे होता है बाय क्रॉसिंग ओवर तो क्रॉसिंग ओवर को हम डिटेल में देखेंगे तो ये जो क्रॉस ओवर्स बनते हैं इनके कारण नए कॉम्बिनेशनस बनते हैं विच इज़ कॉल्ड री कॉम्बिनेशनस और इन क्रॉसिंग ओवर्स को आ, हम एज क्रॉस देख सकते हैं क्या मैटा की फॉर्म में प्रोफेज जो है वो आगे फाइव स्टेजेज में डिवाइडेड है लेप्टोटीन जयगोटीन फैकेटीन डिप्लोटीन एंड डायाकैनिस द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रो फेज वन इज़ द लेप्टोटीन जो लैप्टोटीन है इसे हम लेप्टोनीमा भी कहते हैं ये वो स्टेज है जहाँ पर जो क्रोमोजोम्स हैं वो हमें इंडिविजुअल नज़र आने शुरू होंगे क्योंकि उनकी कॉइलिंग होगी वो कम्पैक्ट होंगे उनकी कंडेंसेशन होने के कारण वो हमें इंडिविजुअलाइज्ड नज़र आएंगे मतलब वो लूज स्ट्रैंड्स की फॉर्म में नहीं नज़र आएंगे वो हमें इंडिविजुअलाइज नजर आएंगे, आएंगे क्योंकि अब वो कंपैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे द नेक्स्ट फेज जो है प्रो फेज टू वन का दैट इज़ द जैगोटीन जायगोटीन को हम ऐसी जायगोटीन uh, का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ साइनाप्टोनीमल कम्प्लेक्स ये वो स्टेज है जहाँ पर साइनाप्टोनीमल कम्प्लेक्स बनता है लेप्टोटीन के बाद जायगोटीन स्टेज है और जायगोटीन को जायगोनीमा भी कहा जाता है और इसे बुकेट स्टेज भी कहा जाता है क्योंकि ये वो स्टेज होती है जहाँ पर जो क्रोमोजोम्स के जो टीलोमेयर्स हैं जो एंड्स हैं वो एक क्लस्टर की फॉर्म में पड़े होते हैं एक तरफ न्यूक्लियस के और जो दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम्स हैं इस स्टेज पर वो एक दूसरे के साथ लेटरली अटैच हो जाएंगे और ये जो अटैचमेंट का प्रोसेस है दिस इज नोन एज द साइनाप्सिस और जब क्रोमोजोम्स पेयर्स में आ जाते हैं तो ये पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स को हम बाइवेलेंट्स कहते हैं दिस रिप्रजेंट्स द सनेपिस बिटवीन टू होमोलोकस क्रोमोजोम्स जो आ, एक पैर जो एक क्रोमोजोम है वो इस तरफ है और एक इसकी ऑपोजिट साइड पर है और ये एक दूसरे के साथ लेटरली अटैच है वाया दिस सनाप्टोनीमल कम्प्लेक्स ये जो सनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स है ये एक तरह का ब्रिज बनाता है दो क्रोमोजोम्स के आ, के बीच में जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं ये एक क्रोमोजोम का सेट उप, एक क्रोमोजोम का जो है वो ऊपर पड़ा है और जो दूसरा उसका होमोलॉग पेयर है वो नीचे पड़ा हुआ है और इन दोनों के बीच में ये जो ब्रिजेस ब्रिज नज़र आ रही है दिस इज़ द साइनाप्टोनीमल कम्प्लेक्स तो ये जो साइनाप्टोनीमल कम्प्लेक्स है दिस कैन बी सीन हेयर ये ऊपर वाला होमोलॉग पेयर है और ये नीचे वाला है और इन दोनों को बीच में से जिसने जोड़ा है दैट इज़ द साइनाप्टोनीमल कम्प्लेक्स द नेक्स्ट स्टेज इज़ द फैकेटीन स्टेज जो फैकेटीन स्टेज है इट इज़ आल्सो रेफर टू एज द स्टेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर ये वो स्टेज है जहाँ पर जो दोनों पेयर्स हैं homologous क्रोमोजोम के वो एक दूसरे के साथ अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और इसके लिए synaptonemal complex बनता है ताकि जो दोनों chromosomes हैं वो एक दूसरे के क्लोज एसोसिएशन में आ सके और फिर एक दूसरे के साथ अपना जो जेनेटिक पार्ट है वो एक्सचेंज कर सके जो paired chromosomes हैं या जो बायलेंट्स अब हम उन्हें कहेंगे क्योंकि वो एक दूसरे के साथ पेयर हो चुके हैं तो इन्हें अब हम बायलेंट्स कहेंगे इनकी फर्दर शॉर्टनिंग होगी मतलब ये थोड़े और कंपैक्ट होंगे और इसके साथ साथ जो न्यूक्लियोलस है न्यूक्लियस में उसका साइज जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा और जो दोनों क्रोमोजोम्स हैं वो दोनों क्रोमैट्स के बने हैं मतलब एक क्रोमोजोम के जो दो क्रोमैट्स होंगे उन्हें हम सिस्टर क्रोमैट्स कहेंगे और जो दो अलग क्रोमोजोम्स के जो दो क्रोमैट्स होंगे उन्हें हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे दैट इज क्रोम जो क्रोमेटिड्स जो हैं जो सेम क्रोमोजोम को बिलोंग करेंगे दे विल बी द सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड द क्रोमेटिड्स बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट क्रोमोजोम्स दे विल बी कॉल्ड द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स फैकेटीन स्टेज में जेनेटिक मटेरियल जो है वो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में एक्सचेंज होगा दिस इज नोन एज द क्रॉसिंग ओवर और ये एक्सचेंज के लिए पहले कुछ पार्ट जो है वो अलग होता है क्रोमोजोम से वाया एंडो एंजाइम्स हैं वो उसको कट करते हैं फिर वो उनका एक्सचेंज होता है और फिर लाइगेजेस like, एंजाइम जो है वो उसे अपने नई पोजीशन पर पेस्ट करते हैं या उन्हें उनके साथ जोड़ देते हैं आफ्टर क्रोमोसोम्स जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेम क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स हैं वो भी डिफरेंट हो जाएंगे पहले जो सेम क्रोमोसोम के दो क्रोमेटेड जिन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते थे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल थे लेकिन क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्योंकि एक एक जो क्रोमेटिड है दोनों क्रोमोजोम का उसने अपना जेनेटिक मटीरियल दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिया है तो अब आफ्टर क्रॉसिंग ओवर जो क्रोमेटेड सेम क्रोमोजोम के हैं अब वो भी जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं रहेंगे दिस क्रॉसिंग ओवर कैन बी सीन हेयर ये एक पेयर है होमोलोगस क्रोमोजोम्स का जिनके बीच में पहले सन आप टू बनेगा और ये एक दूसरे के साथ एसोसिएट होंगे क्लोज एसोसिएशन में आ जाएंगे फिर उसके बाद हमें अब सिस्टर क्रोमेटेड क्या है और नॉन सिस्टर क्रोमैट्स क्या है जो तो एक ही क्रोमोजोम के दो क्रोमेट्स हैं वन दिस एंड वन दिस दे आर रेफर टू एज द सिस्टर क्रोमैट्स और जो दोनों क्रोमोजोम्स के जो क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे के लिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं मतलब इफ़ वी टॉक अबाउट कि एक ये वाला क्रोमेटिड और एक ये वाला क्रोमेटिड ये एक दूसरे के लिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है वो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है विच कैन बी सीन हेयर ये एक दूसरे के साथ अपना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो अपना जेनेटिक पार्ट्स हैं वो एक्सचेंज कर रहे हैं अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो चुका है कि जो तो इस नॉन सिस्टर क्रोमेटेड का पार्ट है वो ये वाली नॉन सिस्टर क्रोमेट के साथ एसोसिएट हो गया है और जो अंदर वाली दोनों हैं उनका आपस में एक्सचेंज हो गया तो अल्टीमेटली अब हमारे पास इस तरह का कॉम्बिनेशन बन गया है तो जो एक ही क्रोमोजोम के दो क्रोमैटिड्स हैं अब वो भी एक दूसरे से जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं रहे हैं इन पार्ट्स का एक क्रोमोसोम से उतरना और दूसरे पर जाकर लगना इसके लिए दो एंजाइम्स जो हैं वो काम करते हैं एंडो जो कि उसे कट करते हैं अपने क्रोमोसोम से और लाइगेजेस जो उसे दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच करते हैं सो टू एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड हेयर फॉर दिस क्रोसिंग ऑफ वो द नेक्स्ट स्टेज इज़ द डिप्लोटीन स्टेज जो डिप्लोटीन स्टेज है अब ये वो स्टेज है जहाँ पर अब इन जो क्लोज एसोसिएशन हुई थी दो क्रोमोजोम्स की ऑफ द पेयर वाया सनाप्टोनीमल कम्प्लेक्स अब वो एसोसिएशन टूटेगी मतलब जो सनाप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है अब यहाँ पर उसका डिसअसेंबल होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो डीग्रेड होना शुरू हो जाएगा तो जो दोनों पेयर्स एक दूसरे के साथ जो अटैच हुए थे लेटरली अब वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे सिर्फ उन रीजन्स पर सेपरेशन नहीं होगी जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई है वहाँ पर वो हमें टाइटली बाउंड नजर आएंगे एज कैजमेटा इन रीजन्स को हम कज्माटा कहते हैं एंड प्लूरल है अगर बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं तो हम उन्हें क्यामा कहेंगे जो दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम हैं अब उनकी डी होगी तो जो डिप्लोटीन

दिस विल बी क्लियर टू यू विद दिस डाइग्राम यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि ये दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम्स के पेयर हैं वन इज़ और एक क्रोमोजोम के पास जो एक क्रोमैटेड है वो पेटर्नल होमोलोग है और जो दूसरे वाला है दैट इज द मेटर्नल होमोलोग एक का जो सोर्स है वो पेटर्नल सोर्स है दूसरे का सोर्स मेटर्नल सोर्स है दोनों फर्टिलाइजेशन से बने हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब पहले भी सब डिटेल में बताया गया है कि किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ आकर पेयर अप हुए हैं ड्यूरिंग fertilization. फिर उसके बाद सेकंड थिंग द सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड द नॉन सिस्टर सिस्टर क्रोमेटिड्स 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 ऑफ ऑफ सेम आर आर द एंड डिफरेंट रेफर टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जब इनकी एसोसिएशन हो जाएगी इनके बीच में सन एप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इन दोनों का जो पेयर बनता है उसे हम कहते हैं बायट और जहाँ जहाँ पर इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी वो हमें एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर नज़र आएगा इट इज रेफर टू वैज की अगर प्लूरल है, मतलब अगर बहुत सारे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे अगर एक ही है तो किजमाटा कहेंगे और अल्टीमेटली क्या होना है जब इनकी हो जाएगी डिप्लोटीन स्टेज में तब ये क्रोमेटिड्स बनेंगे दैट मीन्स जो सिस्टर क्रोमेटेड जो कि पहले एक दूसरे के साथ बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल थे अब वो भी नहीं जेनेटिकली आइडेंटिकल रहे हमारे पास चार क्रोमेटिड्स हैं और सभी जो चारों हैं वो एक दूसरे से जेनेटिकली डिफरेंट बन चुके हैं इसीलिए हम इन्हें नए कम्बेनेंट्स e कहेंगे एंड देन कम्स दी डायनिस जो कि प्रोफेज वन की लास्ट स्टेज है यहाँ पर अब और भी ज़्यादा कंडेंस हो जाएंगे क्रोमोसोम्स और जब वो कंडेंस होंगे तो अब हमें जहाँ जहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर हुई थी वो साइट्स और भी ज़्यादा क्लियरली विजिबल होंगे दैट मीन्स किज जो हैं वो इस स्टेज पर बहुत क्लियरली विजिबल होंगे तो हमें क्लियरली दिखता है कि कहाँ कहाँ क्रॉसिंग ओवर हुई है सा, इसके साथ जो न्यूक्लियर एनवेलप है अब वो डिसइंटीग्रेट होनी शुरू होगी क्योंकि इसके बाद मेटाइन फेज स्टार्ट होना है तो न्यूक्लियर uh, एनवेलप जो है वो डिसइंटीग्रेट होगी जो दोनों सेंट्रियॉल्स थे जो पहले एक सेंट्रियॉल होता है और फिर एस फेज के टाइम पर उसकी डुप्लीकेशन uh, होती है और एक पेयर बन जाता है जिन्होंने आगे स्पिंडल फॉर्मेशन uh, करनी है तो अब वो जो सेंट्रियॉल्स हैं अब न्यूक्लियस की ऑपोजिट साइड्स की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे और जो दोनों सेंट्रियऑल्स हैं अब इस टाइम पर उनमें से माइक्रोट्यूब्यूल्स भी बाहर निकलनी शुरू हो जाएंगी इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स ने इन क्रोमोजोम्स को एक दूसरे के से सेपरेट से करना है तो जब सेंट्रियॉल्स में से एस्ट्रल रेज निकल जाती हैं तो हम सेंट्रियॉल प्लस एस्ट्रल रेज का जो स्ट्रक्चर है इसे हम एस्टर कहते हैं सो so, अब तक ये चीज़ जो है ये कंप्लीट हो चुकी है प्रोफेस वन कंप्लीट हो चुका है जो दोनों सेंट्रियॉल्स हैं अब उनमें से एस्ट्रल ये फाइबर्स निकलने शुरू हो गए हैं ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसइंटीग्रेट इंटीग्रेट होनी शुरू हो चुकी है और जो क्रोमोजोम्स हैं अभी हमें वो एक दूसरे के साथ पेयर्ड अप नज़र आ रहे हैं और उनका जो क्रॉसिंग ओवर है वो कम्प्लीट हो चुका है अभी वो एक दूसरे के साथ सिर्फ क्रॉसिंग ओवर वाले रिलीजन्स पर एक दूसरे के साथ अटैच्ड है नेक्स्ट फेज आफ्टर प्रोफेस वन इज द मेटाफेज मेटाफेज का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो होती है मेटाफेजिक प्लेट दैट मीन सभी क्रोमोजोम हमें एक इक्वेटर पर जो न्यूक्लियस का इक्वेटर है वहाँ पर अलाइंड नज़र आते हैं तो इस यहाँ पर डबल मेटाफेजिक प्लेट बनेगी क्योंकि यहाँ पर दो क्रोमोजोम जो हैं वो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं माइटॉसिस में एक एक क्रोमोजोम होता है तो वहां पर सिंगल मेटाफेजिक्लेट बनती है यहाँ पर दो क्रोमोजोम

क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से पुल अपार्ट कर सकेंगे एक दूसरे से सेपरेट कर सकेंगे तो अब जो कायनेटोकोर माइक्रो माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं वो दोनों स्पिंडल पोल से निकलेंगे और अपने-अपने कायनेटोकोर्स के साथ अटैच हो चुकी हैं और सभी जो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं अब वो एक इक्वेटोरियल प्लेन पर अलाइन हो चुके हैं और इनकी जो आ, ये जो हमें देखने में ऐसा लगेगा कि यहां पर एक मेटा यहां पर एक प्लेट में एसोसिएटेड हैं और प्लेन में एक ही प्लेन में ये सभी जो हैं इनकी आ, आ, अरेंजमेंट है और यहाँ पर क्योंकि दो क्रोमोसोम्स हैं मतलब एक पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का तो यहाँ पर जो प्लेट है वो डबल मेटाफेजिक प्लेट बनेगी इट कैन बी सीन हियर ये मेटाफेज वन है यहाँ पर जो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो अलाइन हो चुके हैं मेटाफेजिक प्लेट पर जो सेंट्रियॉल्स हैं उनमें से निकल रहे एस्ट्रल फाइबर्स काइनेटोकोर के साथ एसोसिएट हो चुके हैं काइनेटोकोर प्रोटीन जो है वो सेंट्रोमियर पर पड़ा होता है क्रोमोजोम्स के वो हेल्प करता है कि जो से निकल रहे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, वो इनके साथ अटैच हो सके और इन्हें एक दूसरे से सेपरेट कर सके एंड देन कम्स द थर्ड स्टेज दैट इज एना फेज़ वन एना फेज पर अब जो माइक्रोट्यूबल्स का एनेटो कर्स के साथ अटैच हो चुके हैं अब उन माइक्रोट्यूबुल्स की शॉर्टनिंग होगी उनकी शॉर्टनिंग होने से जो दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे अब वो एक दूसरे से अलग होंगे डीअटैच होंगे दिस स्टेज इज़ रेफर टू विस जंक्शन स्टेज यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोजोम्स हैं वो अपने कनेक्शंस को ब्रेक करते हैं और एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और यहाँ पर ये वो स्टेज है जब सेल की एलोंगेशन भी साथ साथ चलती है जो नॉन काइनेटोकोट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं मतलब सेंट्रियाल से निकल रहे ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड नहीं है अब उनकी भी लेंथनिंग होगी और उनका काम क्या होगा सेंट्रोजोम्स को एक दूसरे से दूर लेकर जाना ताकि जो पुलिंग है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो सके दिस कैन बी सीन हेयर इन दिस डायग्राम अब ये एनाफेस है जहाँ पर जो माइक्रो थे जिन जो कि काइनेटोकोर के साथ जुड़े हुए थे उनकी शॉर्टनिंग हुई और वो इन्हें पुल बैक कर रहे हैं एक दूसरे से सेपरेट करे दूर कर रहे हैं और जो नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स थी मतलब जो काइनेटोकोर के साथ एसोसिएटेड नहीं है सिर्फ एक सेंट्रियॉल से दूसरे सेंट्रीऑल तक अटैच्ड हैं उनकी लेंथनिंग होगी जब उनकी लेंथनिंग होगी तो ये सेंट्रोजोम्स एक दूसरे से दूर जाएंगे और इससे जो इनकी सेपरेशन है वो और ज्यादा इफेक्टिव होगी इसके साथ जो सेल है उसकी भी एलोंगेशन स्टार्ट हो चुकी है and then the last phase of meiosis one that is the telophase अब ये वो phase है जहाँ पर जो uh, दोनों sets हैं वो बिल्कुल poles पर पहुँच चुके हैं एक दूसरे से completely separate हो चुके हैं और अब यहाँ पर uh, जो दोनों daughter cells हैं उनकी formations मतलब कि जो cytoplasm है वो भी separate हो जाएगा और ultimately जो cell है वो उसकी simultaneously साथ में division हो जाएगी दो daughter cells में अब इन दोनों daughter cells के पास जो chromosome number है वो एक एग्जैक्ट हाफ होगा जो कि पेरेंट सेल के पास था उसका द जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं जिन्होंने स्पेंडल नेटवर्क बनाया हुआ था वो भी डिसअपियर होंगी जो नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ये वहाँ पर बननी शुरू हो जाएगी और दोनों क्रोमोजोम्स के सेट को सराउंड करनी शुरू हो जाएगी क्रोमोजोम्स जो उनकी पहली कंडेंसेशन हुई थी अब वो डी कंडेंस होंगे वापस से क्रोमैटिन थ्रेड्स के तरफ मतलब उनकी अनकॉइलिंग हो जाएगी और वापस से क्रोमैटिन थ्रेड की फॉर्म में आ जाएंगे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अभी भी एक दूसरे के साथ अटैच हैं। इन सिस्टर क्रोमेटिड्स की अब जो डिटैचमेंट है वो मियोसिस टू में होगी इट रिप्रेजेंट्स द टीलो फेज वन यहाँ पर क्या हो चुका है अब सेल जो है उसकी डॉटर सेल्स में डिवीजन होनी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर सेपरेट दो न्यूक्लियस बन चुके हैं यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से बननी स्टार्ट हो चुकी हैं जो सेंज्रियॉल से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रही थी वो भी सब डिसअपियर हो चुकी हैं दोनों जो न्यूक्लियस हैं अब उनके पास एक एक सेट ऑफ क्रोमोजोम रह गया है दैट मीन्स अब यहाँ से जो कंडीशन होगी ये जो डॉटर सेल निकलेगा यहाँ पर है कंडीशन बनेगी और यहाँ पर एक अलग से इंप्लायडी कंडीशन बनेगी दिस कैन बी सीन हेयर ऑल्सो ये टीलोफेज वन स्टेज है जहाँ पर जो नए सेल्स हैं वो बनने स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि जो दो अलग न्यूक्लियस हैं वो बन चुके हैं न्यूक्लियर इन्वेलप बननी शुरू हो चुकी हैं दोनों होमोलोगस क्रोमसोम्स का पेयर है वो सेपरेट हो चुका है तो जो नए सेल्स बनेंगे अब वो हैप्लॉयड होंगे और जो स्टार्टिंग सेल था वो क्या था डिप्लॉयड था क्योंकि उसमें एक ही न्यूक्लियस में ये दोनों सेट्स एक साथ पड़े थे लेकिन अब जो नए सेल्स बने हैं उनमें ये दोनों सेट्स सेपरेट हो चुके हैं दो अलग न्यूक्लियस में डिवाइड हो चुके हैं देन कम्स दफ़ इंटरकाइनिस इंटरकाइनिस जो है वो एक तरह का रेस्टिंग पीरियड है बिटवीन मियासिस वन एंड मियासिस टू ये ट्रांजिटरी स्टेज है यहाँ पर इंटरफेज टू हम इसे कह देते हैं लेकिन इंटरफेज जो है वो मेनली सिंथसिस ऑफ डी एन ए के साथ एसोसिएटेड होता है जो कि यहाँ पर कंप्लीटली एबसेंट है तो हम इसे इंटरकाइनसिस की स्टेज कहते हैं यहाँ पर कोई डी एन ए रेप्लीकेशन नहीं होगी जैसे कि माइटोसिस uh, के टाइम पर होती है तो उसे हम इंटरफेस कहते थे क्योंकि वहाँ पर जो मेन स्टेज थी वो एस फेज था जहाँ पर डी एन ए रेप्लीकेशन होती थी लेकिन यहाँ पर वो एब्सेंट है तो हम इसे इंटरकाइनिस कहते हैं बिकॉज डी एन ए रेप्लीकेशन इज एबसेंट हेयर और यहाँ पर इस स्टेज में क्या होगा आर एन ए प्रोटीन्स और दूसरे बायोमोलिक्यूल जो हैं उनका सेंथसिस जो है वो एक्टिवली चलेगा लेकिन डी एन ए नहीं रेप्लीकेट करेगा और जो सेंट्रियॉल पेयर है क्योंकि अब से स्पिंडल फॉर्मेशन होनी है तो अब उसकी भी रेप्लीकेशन होगी इसके बाद मियोसिस टू स्टार्ट हो जाती है दैट इज़ द सेकेंड फेज इसे हम इक्वेशनल डिवीजन का फ़ेज भी कहते हैं क्योंकि अब यहाँ पर जो हैप्लॉयडी कंडीशन है वही मेंटेन रहेगी दैट मींस जो क्रोमोसोम नंबर अब आ, आ, फर्स्ट सेट ऑफ़ डॉटर सेल्स में आया है वही अब जो है इस सेट में रहेगा अब यहाँ से जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो भी हेप्लॉयड होंगे आ, जो मियोसिस टू है इसे हम या इक्वेशनल डिविजन कहते हैं इसके आगे चार फेजेज़ हैं प्रो प्रोफेज टू मेटाफेज टू एनाफे phase two and delophase two. ये बहुत सारी चीज़ों में ये माइटोसिस के जैसी ही हैं जो सारी चेंजेस आनी है इन चारों फेज में वो बिल्कुल वैसे ही आएँगी जैसी माइटोसिस में थी दैट इज़ प्रो फेज़ वन में क्या होगा कि जो सेंट्रियॉल्स हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव होने शुरू होंगे ठीक है इस तरह से न्यूक्लियर एनवेलप डिस इंटीग्रेट होनी शुरू होगी देन मेटा फेज़ वन आएगा जहाँ पर जो स्पिंडल फॉर्मेशन है वो हो जाएगी और जो स्पिंडल है वो यहाँ पर काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ एसोसिएट होगा ताकि जो दोनों सिस्टर क्रोमेटेड हैं उन्हें एक दूसरे से अलग किया जा सके और यहाँ पर इसका करेक्टरिस्टिक फीचर अगेन वही मेटाफेजिक प्लेट रहेगा लेकिन यहाँ पर सिंगल मेटाफेजिक प्लेट बनेगी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक एक क्रोमोजोम है पेयर नहीं है क्रोमोजोम्स का देन एनाफेज फेज टू स्टेज आएगी जब एक एक क्रोमेटेड्स जो हैं एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और एक दूसरे से दूर जाना शुरू होंगे क्योंकि जो माइक्रोट्यूबुल्स हैं उनकी शॉर्टनिंग होगी और फिर लास्ट में आ जाएगी टीलो फेज टू जहाँ पर फिर से Uh, which will be also with बननी स्पिंडल, uh, जो है वो डिसंटीग्रेट हो चुका होगा अल्टीमेटली अब हमारे पास क्या बन गए हैं चार डॉटो सेल्स बन चुके हैं मतलब चार कैसे बने हैं फ्रॉम uh, ये ये जो डॉटर सेल्स बने थे मियोसिस वन से उन्हीं की आगे क्या हुई है मियोसिस टू हुई है और अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन गए हैं चार डॉटर सेल्स बन चुके हैं और चारों ही हेप्लॉयड कंडीशन में होंगे क्योंकि जिनसे ये बने हैं वो भी हेप्लॉयड कंडीशन में थे इसीलिए हम इसे इक्वेशनल डिविजन कहते हैं अब आता है लास्ट दैट इज साइटोकाइनेसिस जो साइटोकाइनेसिस है दैट मींस जब अल्टीमेटली डॉटर सेल बनेंगे मतलब बिल्कुल आ, उनकी डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी तो जो साइटोकाइनेसिस है दैट इज़ अ स्टेज ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन तो ये जो है ये दो तरह की हो सकती है सक्सेसिव हो सकती है या फिर साइमल्टेनियस हो सकती है जो सक्सेसिव टाइप होगी वहां पर साइटोकाइनेसिस विल बी फॉलोड मतलब जो साइटोकाइनेसिस है इट फॉलोज एवरी न्यूक्लियर डिवीजन मतलब जितनी बार न्यूक्लियस डिवाइड करेगा उतनी बार साइटो का और होगी दूसरी टाइप है वो है साइमल्टेनियस साइमल्टेनियस मीन्स पहले जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो कंप्लीट होंगी दोनों राउंड्स की मियोसिस वन की भी और फिर मियोसिस टू की भी और फिर उसके बाद जो सेल है वो चार डॉटर सेल्स में डिवाइड करेगा दैट विल बी साइमल्टेनियस मियोसिस uh, टू जो था वो हमने कहा था कि वो बहुत टर्म्स में माइटोसिस के जैसा ही है क्योंकि उसके फेजेस बिल्कुल उसके जैसे थे और इक्वेशनल डिवीजन हो रही थी लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों स्टेजेस में पहला डिफरेंस जो है इंटरफेज का एबसेंट होना क्योंकि इंटरफेज जो है वो माइटोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था वहीं पर डी एन ए हो रही थी जो कि माइटोसिस के लिए नेसेसरी थी लेकिन यहाँ पर आ, इसकी ज़रूरत नहीं थी तो इंटरफेज यहाँ पर एबसेंट है और यहाँ पर इंटरकाइनेसिस प्रेजेंट है जहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन एप्लीकेशन है और आरएनए एन और दूसरे बायोमोलिक्यूल जो हैं उनकी सिंथेसिस होगी प्लस यहाँ पर कोई क्रोमोसोम रेप्लिकेशन नहीं हो रही है जो कि एस फेज में होती है इन द इंटरफेज ड्यूरिंग माइटोसिस बट यहाँ पर वो एबसेंट है जो दोनों क्रोमेटेड्स बनते थे इन द माइटोसिस वो जेनेटिकली दूसरे से सिमिलर थे लेकिन यहाँ पर क्योंकि मियोसिस टू से पहले मियोसिस वन हुई है जिसमें क्रॉसिंग ओवर हुई है और नए रिकम्बिनेशनस बने हैं उसके कारण जो दोनों क्रोमेटेड्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं दे आर जेनेटिकली डिफरेंट प्लस जो मियोसिस टू है ये थोड़ी सिंपलर और ब्रीफ है मतलब उससे इतना आ, उतना कम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है जितना माइटोसिस है क्योंकि वहाँ पर डी एन एड एप्लीकेशन जो है वो भी पहले होती है और फिर माइटोसिस होता है यहाँ पर जो डॉटर सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिजेंबल नहीं करेंगे क्योंकि जो क्रोमेटेड्स गए हैं डॉटर सेल्स में वो जेनेटिकली आइडेंट नहीं थे ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर एंड देन प्लस जो एडिशनल पॉइंट है कि वो अपने मदर सेल के साथ भी रिजेंबल यहाँ पर नहीं करते हैं अगेन द रीजन इज द क्रॉसिंग ओवर एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू रिकॉम्बिनेशन एंड देन की म्योस ज़रूरी क्यों है सिग्निफिकेंस पहले ही बताया जितने भी सेक्शली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पर गमीट फॉर्मेशन के टाइम पर इसका होना ज़रूरी है ताकि जो क्रोमोज़ोम नंबर है उसको मेनटेन किया जा सके और जो प्रोजनीज हैं उनका क्रोमोज़ोम नंबर अपने पेरेंट के जैसा ही हो और वो आ, मतलब क्रोमोज़ोम नंबर जो है वो हर आ, प्रोजनी के साथ हर सक्सेसिव प्रोजनी के साथ इंक्रीज़ ना हो तो उसकी मैंटेनेंस के लिए मियोसिस जो है वो ज़रूरी है सेकेंड थिंग इज क्रॉसिंग ओवर जो क्रॉसिंग ओवर होती है उस टाइम पे नए रिकम्बिनेशन बनते हैं उन नए रीकम्बिनेशन की वजह से नई वेरिएशन आती हैं तो जो है, उनमें नए फीचर्स होंगे जो कि पेरेंट सेल में एबसेंट होंगे और ये जो फीचर्स हैं दे कैन बी फिनोटेपिक वेल एज जीनोटेपिक एंड दे आर ड्यू टू द दीज रिकम्बिनेशन जो कि क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर बनते हैं तो वेरिएशन लाने के लिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवोल्यूशन पर्पज तो वेरिएशन लाने के लिए जो मियोसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मियोसिस इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल टू गेट मोर बायोलॉजी बेंच वीडियोज ऑन योर स्क्रीन्स।